everyone. How are you? I'm good. Thank you so much for joining me today back again on Doctor Education. आज हम बात करने वाले हैं पेट के अल्सर्स के बारे में. जी हाँ, बहुत ही ज्यादा कॉमन टॉपिक है. एज यूजुअल, द अल्सर्स इन योर स्टमक, इन योर इंटेस्टाइन्स, इन योर स्मॉल इंटेस्टाइन, ड्यूओडेनम, स्टमक, ईसोफेगस, बहुत सारे अल्सर बहुत सारी जगह हो जाते हैं. बिल्कुल वैसी ही जैसे आपके मुंह में छाले हो जाते हैं, आपके फूड पाइप में भी छाले हो सकते हैं और उसके नीचे भी छाले हो सकते हैं, इवन लास्ट आपके एनस तक छाले हो सकते हैं. बट बात यहाँ हो रही है कि ये फूड पाइप में छाले क्यों होते हैं. तो फूड पाइप में छाले होने का सबसे कॉमन रीजन है उल्टी सीधी चीजें खाना, बहुत ज्यादा दारू पीना, बहुत ज्यादा स्मोकिंग. बहुत ज्यादा क्या, थोड़ी बहुत भी स्मोकिंग करते हैं तो आपके चांसेस अल्सर्स के बढ़ जाएंगे. अगर आप बहुत ज्यादा दवा खाते हैं, पेन किलर्स, एनएसएड्स मतलब पैरासिटामोल, ब्रोफेन, नेप्रोक्सिन, नेमोसिलाइड, एस्पिरिन, डिस्पिरिन, ऐसी कोई भी दवा खाते हैं तो आपके चांसेस, आपके अल्सर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे. उसके रिएक्शन से आपको अल्सर हो सकते हैं. अगर आपको एक एच पाइलोरी बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाए, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, इसका सबसे कॉमन रीजन जो अगर कोई दुनिया में है तो यही है. एच पाइलोरी इन्फेक्शन इज वन ऑफ द कॉमनेस्ट रीजंस फॉर योर स्टमक अल्सर्स एंड वेरी डिफिकल्ट टू ट्रीट. यस, जिन लोगों को लंबे समय से अल्सर्स हैं, नो डाउट उनको एच पाइलोरी इन्फेक्शन है, नो डाउट, राइट. सो एच पाइलोरी और क्या, B12, विटामिन डेफिशिएंसी, व्हेनेवर यू हैव अ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, तब आपको हो जाते हैं अल्सर्स. मुंह में छाले होते हैं वैसे ही पेट में भी अल्सर्स हो सकते हैं, स्टमक में. सो विटामिन B12 इज अ मेजर कंसर्न है. विटामिन B12 डेफिशिएंसी से अल्सर्स हो जाते हैं, राइट. सो B12, अल्कोहल, दवाइयां और आपकी एच पाइलोरी. Then the bigger factor here is stress. जी हाँ, क्यों किसी को होते हैं किसी को नहीं होते. The factor here is stress. If you take a lot of stress, physical stress, psychological stress, ठीक से नींद नहीं लेना, आपने देखा होगा जब भी रात को आप नहीं सोते, अगले दिन कई बार लोगों को मुंह में छाले हो जाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी टेंडेंसी होती है कुछ ना कुछ तरीके से, और एक आप उसमें लास्ट कील ठोक देते हो कि सोते नहीं हो और अगले दिन आपको मुंह में छाले हो जाते हैं. सो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड योर स्टमक आल्सो. इसीलिए आपको कुछ प्रकार के खाने से ज्यादा गैस एसिडिटी होती है, कुछ प्रकार के खाना ज्यादा जलता है कई बार. देखिए, गैस अलग चीज है, इनडाइजेशन अलग चीज है, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज अलग चीज है और अल्सर्स अलग चीज है, लेकिन आसपास है सारे सारे अल्ले वाले है गया, बट देन देयर इज लिटिल डिफरेंस. एंड द पॉइंट इज दैट देयर इज एन अल्सर इन योर स्टमक वॉल. नॉर्मली देयर इज एसिड इन योर स्टमक. एसिड होता है स्टमक में, जिसका काम है आपने जो भी खाया, जो खाने के फूड पाइप से जाके स्टमक में गया, उसको अपने एसिड से, एसिड के एसिड में प्रेजेंट एंजाइम से गलाना, ताकि वो गली हुई टूटी हुई चीज नीचे जाके स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो जाए. अब एसिड से स्टमक भी गल जाएगा. जी हाँ भाई साहब, जो लोग नॉनवेज खाते हैं, अगर वह लोग किसी ऑर्गन भी खा ले तो ऑर्गन भी गल जाता है, तो फिर खुद का स्टमक क्यों नहीं गलता? क्योंकि आपका एसिड से आपके स्टमक को सेपरेट करता है आपके स्टमक में प्रेजेंट म्यूकस. तो अगर आप पानी कम पीते हैं तो म्यूकस ड्राई होता जाता है, और म्यूकस कम होगा तो भी दिक्कत होगा. सो लेस अमाउंट ऑफ वाटर इज ऑल्सो वन फैक्टर. तो बहुत सारे कारण है अल्सर होने के. ये सारे कारण जो मैंने अभी बताया, ये सारे के सारे बहुत मोस्ट कॉमन रीजंस अल्सर हो जाने के. सो व्हाट इज द क्योर, क्योर कैसे होता है? क्योर के बारे में बात करने से पहले हम बात करेंगे कि डाइट कैसी रखनी है, लाइफस्टाइल कैसी, क्योंकि लाइफस्टाइल के बगैर क्योर पॉसिबल नहीं है, राइट.